हेलो, आप मुझे नहीं जानती लेकिन मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। लेकिन आप है कौन? आप फिलहाल सिर्फ मेरे सवाल का जवाब दें। आप पागल है क्या? बिल्कुल पागल, और आप मेरी मदद करेंगे मेरे पागलपन को दूर करने में। कैसे? जिसने मुझे पागल कर दिया है उसे जड़ से उखाड़ देना है। मतलब मर्डर? हाँ, मर्डर। गंभीर समस्याओं का हल जड़ से उखाड़ फेंकने में ही है, इसमें दो राय नहीं, लेकिन इस प्रक्रिया के तरीकों का जायज और कानूनी होना लाजमी है। अगर जड़ से उखाड़ने का इरादा जुर्म से ताल्लुक रखता, कत्ल से ताल्लुक रखता, और आप अनजाने में ही उस जुर्म के भागीदार बन जाएं तो? यदि कोई अनजान व्यक्ति आपसे कोई गुप्त जानकारी मांगता है जो आपको नहीं देनी चाहिए, तो क्या आप सतर्क नहीं होंगे? जड़ से उखाड़ने के विषय को लेकर आज का यह केस बहुत अजीब है। इतना अजीब है कि पुलिस फाइलों में यह केस विचित्रता का दस्तावेज बनकर रह गया। दो साल में मेरी प्रमोशन ड्यू है, शायद ट्रांसफर में अच्छी सिटी और ब्रांच मिलनी चाहिए। उसके बाद सीनियर लेवल एग्जाम दूंगा। प्रिपरेशन अभी से शुरू कर दी मैंने। प्रिपरेशन का दूसरा नाम संजीव माथुर। कमाल की प्लानिंग करता है यार तू, मतलब कॉलेज में भी फुल प्रिपेयर्ड। मैं लक में बिलीव नहीं करता, और जीनियस तो खैर हमें से कोई नहीं है। हाँ, वो तो कोई नहीं है। तो बचा सिर्फ एक ही तरीका, प्लानिंग के साथ हार्डवर्क, जो मैं शुरू से करता आ रहा हूँ, और आज बैंकिंग में मुझे वही सर्विस काम भी आ रही है। तेरी ये प्लानिंग तुझे इतना आगे लेके संजीव, और एक हम रोज के टारगेट कंप्लीट करने के चक्कर में रगड़ जाते। नहीं यार, हम सबकी अपनी अपनी जर्नी है, कंपेयर कर ही नहीं सकते, राइट? लेकिन 6 साल पहले तूने सोचा भी नहीं होगा कि तू इस पोजीशन पे होगा। एक्चुअली सोचा था, एंड लुक, आज पहुंच भी गया। संजीव के बच्चे, ये तेरे ये दोस्त ना किसी बीमारी से नहीं, इनफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से मरेंगे कसम से। देख, लाइफ में इतनी दूर की प्लानिंग करना और उसके पीछे पागलों की तरह भागना इतना भी अच्छा नहीं होता यार। देख, लाइफ क्रिकेट की तरह होती है, कभी भी कलर बदल सकती है भाई। सही कह रहा विशाल, और अगर लाइफ ने यू टर्न ले लिया तो उस मोमेंट पे डिसीजन लेना आना चाहिए। फिर क्या करेगा? तेरा पैक खत्म हो गया, एक और नहीं यार, एक यार। थैंक यू प्लीज। अबे साले संजीव, तू पैक्स की भी प्लानिंग करता है? गाड़ी मुझे चलानी है, और इस ड्रामेबाज विशाल को घर भी तो मुझे छोड़ना है। अच्छा, तो एक बार बता, अगर तू एक दिन अपनी गाड़ी से घर नहीं जाएगा तो तेरी रिपोर्ट कार्ड में क्या रेड मार्क लग जाएगा? एक दिन ऑटो रिक्शा से घर चला जाए यार, क्या फर्क पड़ता है यार? अगर ऐसा सोचता तो गाड़ी लेता ही नहीं। ओ तेरी भाई, हर चीज का जवाब है इसके पास। गाड़ी लेने में भी प्लानिंग? बैंक ने इसको ऐसे ही ऑर्गेनाइजर का टाइटल नहीं दिया। अच्छा एक बात बता, अभी तू यहाँ से मुझ शराबी को घर छोड़ेगा, फिर अपने घर जाएगा, नहाएगा, फिर सोएगा, फिर सुबह उठेगा, फिर तैयार होगा, और सुबह की कॉफी नेहा के साथ पिएगा। लिखवा के लिख ले, सब प्लान है, पूछ ले। गलत कह रहा हूँ? अग्री अग्री, प्लानिंग तो कुछ ऐसी है। ये बात क्या बोला संजीव, समझ आज कुछ ऐसा हो जाए कि तेरी लाइफ की पूरी प्लानिंग फेल हो जाए तो? क्या मतलब? मतलब कि तू कल नेहा से ना मिल पाए तो? अबे ऐसे मत देखो यार, अबे मेरा मतलब किसी एक्सीडेंट या हादसे से नहीं था। मैं ये कह रहा था कि मान लो कोई इमरजेंसी आ गई या नेहा को कोई काम आ जाए तो वो खाली टाइम स्लॉट पे तो क्या करेगा? अबे साले सीधा सीधा बोलना। ओके, टाइम अपनी करेंसी है और इन्वेस्टमेंट भी, कभी खाली नहीं जाता यार। 101 चीजें करने के लिए, और अगर अगर इमरजेंसी आ भी गई तो उसकी प्लानिंग भी कर रखी है मैंने। संजीव बाबा की जय। शादी का क्या प्लान है? नेक्स्ट ईयर। कैसे चला रहे हो यार? हमें ओवरटेक करने के लिए जगह क्यों नहीं दी? और मिरर किस लिए लगा रखा है, दिखाई नहीं देता या पी रखी है? तुम दोनों पीछे से आ रहे थे, पूरी सड़क खाली है।
तुम लेफ्ट से भी तो आ सकते थे और हॉर्न भी तो बजा सकते थे। मतलब गलत तरीके से कट हम मारे हैं। ओह, इतना ही सेफ चलाते हो और राइट साइड में जगह नहीं थी तो ट्राई क्यों किया? ए, जो बाइक स्क्रैच हुई है उसका नुकसान तो भर के देना पड़ेगा बस। और मेरी गाड़ी का नुकसान कौन भर कर देगा? देखो, गलती तुम दोनों की थी, अब यहाँ से निकलते बनो। वैसे भी तुम्हारी बाइक पर कोई स्क्रैच तो दिख नहीं रहा है। कम से कम 200 रुपए लगेंगे रिपेयरिंग के, समझे? हम शराफत से पेश आ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं तुम कुछ भी कहते चलो जाए, हम सुनते चले जाए। चुपचाप निकले यहाँ से, एक पैसा नहीं मिलेगा। अब ज्यादा हो रहा है, पैसा तो देना ही होगा। गाड़ी ठोकी तुमने, पैसा हम क्यों दें? रास्ता छोड़ो यार, जाने दो प्लीज, वरना हम पुलिस को फोन कर रहे हैं। लगा लगा बेटा, लगा पुलिस को फोन। अब तो तुझे पुलिस को फोन लगाना ही पड़ेगा। अबे विशाल का फोन है, लगता है पीने वीने का प्लान तो नहीं बना लिया दोबारा। बात के साथ जीव द प्लानर के होते हुए इम्पॉसिबल। हाँ ये बात भी ठीक है। हाँ विशाल बोल। काटो क्या रवि, मुझे जल्दी यहाँ पर आ जाओ यार। पर हुआ क्या, कुछ तो बता। मैं जल्दी यहाँ पहुँचा यार। कहाँ है? चैतन्य नगर से आके चुके आ जा भाई। हाँ हम आ रहे हैं। अबे बाइक घुमा, बाइक घुमा, कह रहा है कुछ कांड हो गया। बाइक क्यों? सॉरी, हम कुछ नहीं कर सके। ये डेड ऑन अराइवल केस है और पुलिस केस भी। समझ, आज कुछ ऐसा हो जाए और तेरी पूरी लाइफ की प्लानिंग फेल हो जाए तो? चार दोस्तों के बीच हुई इस बात को अभी आधा घंटा भी नहीं हुआ और ये भयंकर हादसा हो गया। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जिस बाइक ने संजीव की कार को ओवरटेक किया था, उस बाइक का एक चालक इतना गुस्सा हो गया कि उसने संजीव को पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मार दी। सिर्फ 200 रुपए के लिए? संजीव और मैं भी बहुत हैरान हुए जब उस बंदे ने सिर्फ 200 रुपए मांगे। अभी क्या मालूम था वो गन निकाल के शूट करेगा। मैंने संजीव के पेरेंट्स और भाई को इन्फॉर्म कर दिया, दे आर ऑन द वे। गोली सर में से निकाल दी गई है, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। चैतन्य नगर के जितने सीसीटीवीज हैं सब में मोटरबाइक चेक करनी होंगी और क्राइम स्पॉट के आसपास भी देखना। विक्टिम के दोस्त विशाल को साथ लेके जाओ। सर बाइक का नंबर? बाइक का नंबर विशाल देख नहीं पाया, अभी हमें सिर्फ इतना पता है कि वो दो लोग थे, इसलिए फुटेज में देखना, जितने मोटरबाइक्स हों सबको स्कैन करना। राइट सर। कुछ भी पता नहीं है, बस उसके दोस्तों का फोन आया था कि संजीव को गोली लग गई है, हम बस अस्पताल पहुंचने वाले हैं। जी 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 हाँ बेटा, जल्दी लेना। क्या हुआ जी? अपने संजीव पर किसी ने फायरिंग कर दी, उसे गोली मार दी सुधा। क्या क्या हुआ माँ? हॉस्पिटल चल जल्दी। क्या हुआ, कौन बीमार है? संजीव के पापा का फोन आया था, किसी ने संजीव को। क्या हुआ संजीव को माँ? संजीव को किसी ने गोली मार दी। रवि नितिन क्या हुआ? अरे ये कैसे हुआ, तुम बोलते क्यों नहीं हो? आशीष हम दोनों को सच में कुछ नहीं पता, पुलिस अंदर विशाल के साथ बात कर रही है, वही था संजीव के साथ उसे। कहाँ है संजीव? कहाँ है संजीव? कहाँ है? मुझे उससे मिलना है। संजीव कहाँ है? आशीष आशीष तुम बताओ मेरे को, कहाँ है संजीव? क्या हुआ उसे? मुझे मिलना है उसे, कुछ तो बताओ, प्लीज बताओ मुझे क्या हुआ संजीव को। आशीष आशीष तुम बताओ संजीव कहाँ है? अरे कोई तो कुछ बताओ, कहाँ है संजीव? आशीष कुछ तो बोलो। On the spot. क्या on the spot? बकवास कर रहे हो तुम, झूठ बोल रहे हो तुम, मैं खुद देखती हूँ। संजीव संजीव पापा सब झूठ बोल रहे हैं, कुछ नहीं हुआ है संजीव।
संजीव को पापा संजीव के पास जाना है। संभालो बेटा अपने आप को पहले उन्होंने बाइक को ठोका, मेरा मतलब क्रैश करते हुए आगे निकल गए, फिर आगे जाके बाइक को बीच सड़क पर रोक दिया। दोनों ने हेलमेट पहनी हुई थी? जी सर। पहले किसने हेलमेट उतारा? एक्चुअली उन्होंने हेलमेट नहीं उतारा, बस वाइजर को ऊपर किया था सर। बाइक का नंबर याद है? कोई भी डिजिट, कुछ भी? उन्होंने बाइक हमेशा स्टार्ट करके रखी थी, नोट करने का ख्याल भी नहीं आया सर। और फिर आकर 200 रुपयों के लिए लड़ने लगे? हमें लगा दोनों पिए हुए होंगे सर, बदमाश होंगे, इसलिए हमने सोचा हमें वहां से निकल जाना चाहिए। सर संजीव ने जैसे ही गाड़ी का गेट डाला, उनमें से एक गाड़ी के सामने आकर गाड़ी को ब्लॉक करने लगा। फिर सर मैंने अपना फोन निकाला और उनको धमकाया कि मैं पुलिस को फोन करूंगा। अब तो तुझे पुलिस को फोन लगाना ही पड़ेगा। पीछे वाले ने गन निकालकर संजीव को शूट कर दिया सर। क्या कहा था? अब तो तुम्हें पुलिस को फोन लगाना ही पड़ेगा। जी सर, ऐसा ही कुछ कहा। देसी कट्टे की गोली लोकली बनी लगती है। हाँ, पॉइंट ब्लैंक रेंज से फायर किया गया स्कल पर, गोली स्कल को चीरती हुई निकल गई है, फ्रेम के चिथड़े कर दिए कम्प्लीटली। बैंक में ऑफिसर था, जूनियर ऑफिसर था, सुना टॉप का एम्प्लॉय, जल्दी प्रमोशन की होगी। जहाँ तक मैंने सुना सर, वो अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर रहे थे और फिर वो और विशाल साथ ही लौट रहे थे। ये विशाल है कहाँ इस वक्त? सर उसकी आंखों के सामने मार दिया है संजीव को, शॉक में है। पुलिस तो उसकी हेल्प ले रही है, लेकिन वो क्या है ना सर कि आंखों के सामने मर्डर हुआ है, तो आई विटनेस वही है। राकेश एक बात समझ में नहीं आ रही है, ऐसे कैसे बंदूक निकाल के फायर कर दिया उन्होंने? यही सवाल तो सब पूछ रहे हैं सर कि मामूली सा रोड एक्सीडेंट, और एक्सीडेंट भी क्या, फिर से बाइक आई और कार को स्क्रैच किया, फिर गन निकाली और फायर। दोनों ने हेलमेट पहने हुए थे। आपने बताया था कि दोनों ने हेलमेट के कांच ऊपर किए हुए थे। जी सर किए थे, लेकिन उससे कुछ साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ तो देखा होगा, जिसने गोली चलाई वो पास तो आया होगा। जी सर। हाँ तो जितना याद आ रहा है उतना बताइए, और हेलमेट कैसे थे वो भी बताइए। आधा अधूरा होगा। आधा अधूरा सुराग सुराग ना होने से बेहतर है, बताइए। बाइक पे सवार दो लोग थे, दोनों ने हेलमेट पहनी हुई थी, देसी कट्टा साथ में लेकर घूम रहे थे, शायद हिस्ट्री शीटर्स होंगे, शायद क्राइम करके लौट रहे होंगे या फिर करने जा रहे होंगे। और सड़क पर गाड़ी से ब्रश हुआ और आपस में गर्मा गर्मी हो गई, इतनी गर्मा गर्मी कि गोली चला दी। चैतन्य नगर के आसपास कोई सीसीटीवी भी नहीं मिला सर। शायद उन्हें मालूम था कि इस एरिया में सीसीटीवी कैमराज नहीं है। मतलब सर? रावत, उन्होंने 200 रुपये मांगे और 200 रुपये ना मिलने पर गोली चला दी, जबकि देसी कट्टे की एक गोली 200 से ज़्यादा में पड़ती है। मुझे ये रोड रेज वाला एंगल कुछ अटपटा सा लगता है। तो आपको लग रहा है ये प्लैंड मर्डर था? प्लानिंग मर्डर करने से ज़्यादा मर्डर को छुपाने में की गई, और ये रोड रेज ये सिर्फ एक मुखौटा है, और अब हमें इस मुखौटे के पीछे छुपे हुए कातिलों के असली चेहरों को सामने लाना। क्या पुलिस का शक जायज है? क्या जिंदगी में हर चीज की प्लानिंग करने वाला संजीव माथुर खुद एक भयंकर हत्या की प्लानिंग का शिकार हुआ? क्या ये रोड रेज इसी प्लानिंग का एक मोहरा था? क्या कहा पुलिस ने? संजू की बॉडी कल तक मिलेगी पापा, सिर्फ आके देना तो बाकी रहेगा।
लेकिन उन लोगों का जिन्होंने हमारी जिंदगियां आग में झोंक दी। गोली किसने चलाई? अब तक कुछ पता नहीं चला है पापा, बस इतना मालूम है कि संजू, विशाल, रवि और नितिन कल रात होटल अर्पिता में थे, बार में। उसके बाद नितिन और रवि बाइक पे चले गए और संजू विशाल को ड्रॉप करने जा रहा था, तभी अचानक से दो लोग बाइक पे आ गए और उसका झगड़ा हो गया और उसमें से एक ने संजू पे गोली चला दी। कहीं कोई ये क्या कर रहे हैं आप? नहीं एक शाम चार दोस्त मिलते हैं, चारों मिलकर एक बार में जाते हैं, वहां जाकर ड्रिंक्स लेते हैं, खूब एंजॉय करते हैं और उसके बाद घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। तो हमारा पहला एंगल है फ्रेंड्स। क्या इन चारों दोस्तों में आपस में कोई अनबन थी या कोई छुपी हुई दुश्मनी जिसकी वजह से यह हादसा हो? हमारा दूसरा एंगल है फैमिली। क्या माथुर परिवार की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी, बिजनेस को लेकर या जमीन जायदाद को लेकर, और दुश्मन ने मौका देकर वार किया और माथुर परिवार को कभी ना भरने वाला जख्म दिया? हमारा एंगल नंबर टू है फैमिली। तीसरा एंगल है मंगेतर। सुना है संजीव माथुर की नेहा तिवारी नाम की लड़की से सगाई हुई थी, दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे और दोनों एक दूसरे को प्यार भी करते थे, तो क्या कोई ऐसा था जो नेहा तिवारी को चाहता था, या कोई ऐसी थी जो संजीव माथुर को चाहती थी? आई मीन ट्रायंगल। और हमारा चौथा एंगल है बैंक। संजीव माथुर बैंक में एम्प्लॉय था और इसे बैंक में काफी होनहार समझा जाता था, इसकी प्रमोशन भी ड्यू थी, तो क्या कोई इसकी प्रमोशन से चलता था? किसी को जलसी थी या गुस्सा? क्या संजीव माथुर ने बैंक में किसी का फ्रॉड पकड़वाया था? हमें इन चारों एंगल्स पर जमकर मेहनत करनी होगी। आई एम श्योर हमारे हाथ कोई ना कोई सुराग जरूर लगेगा, और अगर फिर भी हमारे हाथ खाली रहे तो पांचवा एंगल तो हमारे पास है ही, विच इज रोड रेज। अब ये संजीव माथुर की बदकिस्मती थी कि वो बार से घर जा रहा था, दो बाइक सवार आते हैं, उनकी बाइक संजीव माथुर की कार को टच करती है, आपस में कहा सुनी हो जाती है और कहा सुनी इतनी बढ़ जाती है कि बाइक सवार कट्टा निकाल कर संजीव माथुर का कत्ल कर देता है। हो सकता है ये रोड रेज का एंगल पॉसिबल है, लेकिन रावत 200 रुपये मांगने वाली बात इस रोड रेज वाले एंगल को बहुत कमजोर कर देती है। सर मैंने इस पांचवें एंगल यानी रोड रेज पे खबरियों को लगा दिया। हर कट्टे की हिस्ट्री होती है सर, और हिस्ट्री हाथ में आते ही शूटर की ज्योग्राफी भी सामने आ जाएगी। रावत सामने तो सिर्फ दो हेलमेट थे, हेलमेट के पीछे अंधेरे में से गोली चलाई गई। अब हमें यह पता लगाना है कि वो हेलमेट खुद को बचाने के लिए पहने गए या खुद की पहचान छुपाने के लिए। नहीं सर, संजीव के साथ कुछ भी ऑन द स्पॉट नहीं होता था, पूरा एक हफ्ता पहले मीटिंग प्लान की थी उसने, उसी की ट्रीट थी, बड़ा इंक्रीमेंट मिला था उसे। और सर हम लोग कॉलेज के दोस्त हैं, मैं, नितिन, विशाल और संजीव। आप लोगों के अलावा किसी और को भी पता था कि आप चारों उस दिन मिलने वाले हो? पापा का पैकेजिंग का यूनिट है और मैं अपना खुद का टेक्सटाइल यूनिट संभालता हूँ छोटा सा। गंगाधर जी, आशीष, क्या आपकी बिजनेस या फैमिली में किसी से कोई दुश्मनी है, कभी किसी से कोई झगड़ा हुआ? ये कैसा सवाल पूछ रहे हैं आप? मैं पूछ रही हूँ कि क्या आपसे संजीव ने इस बारे में कोई बात की थी, किसी से दुश्मनी की, कि कोई धमकी की? संजीव की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, वो एक बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत फ्रेंडली थे, हमेशा सबकी हेल्प करते थे। आप चाहे तो किसी से भी पूछ सकती हैं,
वो पूछताछ हम कर लेंगे, पर फिलहाल मैं आपसे पूछ रही हूँ क्योंकि आप उसकी जीवन साथी होने वाली थी, उसकी सबसे करीबी थी। संजीव जैसा इंसान नहीं था, एकदम सही, हमेशा करेक्ट, काम से काम रखता था, लेकिन दिल बहुत बड़ा था उसका। और ये जो सब लोग कह रहे हैं कि संजीव की सड़क पर किसी से लड़ाई हुई थी, मैं नहीं मानती इसे। संजीव ऐसा लड़का ही नहीं था कि जरा सी बात पे इतना बड़ा पखेड़ा खड़ा कर दे कि। देखो मैं ये रोड रेज, ये गुस्से में गोली चलाने वाली बात खोखली लगती है। हमें लगता है कि मर्डर हुआ है, बकायदा प्लानिंग के साथ हुआ है। संजीव समझ, आज कुछ ऐसा हो जाए कि तेरी लाइफ की पूरी प्लानिंग फेल हो जाए तो। आप लोग कुछ जानते हो, कुछ ऐसा जो आप लोगों ने अभी तक हमें नहीं बताया? नहीं सर, थोड़ा अजीब तो लग रहा है सर। संजीव अपनी हर एक चीज प्लानिंग के साथ करता था, मतलब शराब भी प्लानिंग और हिसाब के साथ पीता था। और अब देखो, किसी ने उसकी मौत की प्लानिंग कर ली। बाबा जी, संजीव माथुर आपका सबसे होनहार, सबसे प्रॉमिसिंग एम्प्लॉय था, राइट? उसमें कोई शक नहीं है, संजीव वॉज द बेस्ट। तो शायद ऑफिस में कोई पॉलिटिक्स हुई हो, कोई उसके काम से या उसकी तरक्की से नाराज हो, किसी का नुकसान हुआ बैंक एम्प्लॉयज में? हाँ, या फिर क्लाइंट्स के बीच कुछ हुआ जो उसे रास्ते से निकालना चाहते हैं। ऐसी कोई दुश्मनी आपकी या आपकी, जिसकी सजा आपके बेटे संजीव को भुगतनी पड़ी? पर्सनल और प्रोफेशनल एंगल को गहराई से टटोला गया, खोदा गया, और आखिरकार नाराजगी की, दुश्मनी की एक वजह सामने आ ही गई। एक जमीन की डील हुई थी। कैसी डील? 2 साल पहले यही अपने जमशेदपुर हाईवे के पास मैंने एक बंजर जमीन खरीदी थी। मेरा यह विचार था कि उस जमीन पर अपना बंगला बनाऊंगा, लेकिन वो मामला अभी कोर्ट में है। कोर्ट में क्यों? जमीन बंजर थी, उसको खरीदते समय कोई समस्या नहीं थी, लेकिन सर बाद में पता चला कि वो जमीन दरअसल रिजर्व कोटे में किसी को अलॉट हो चुकी थी। किसको? एक हरिलाल भाकड़ी। बापू, इससे अच्छा मौका उन्हें और कहाँ मिलेगा? सीधे सीधे हम ही पर उंगली उठाएंगे, वो लोग दबाने की कोशिश करेंगे हमें। उन लोगों को मालूम नहीं हम किस मिट्टी के बने, न तब दबे थे न अब दबेंगे। एक कदम, एक इंच पीछे नहीं हटेंगे राकेश। ब्रोकर ने हमसे कहा था कि सरकार ने वो जमीन ऑक्शन के लिए निकाल के रखी, टाइटल क्लियर। हम बंगले की कंस्ट्रक्शन शुरू करने ही वाले थे, तभी हरिलाल बागड़ी धमक पड़ा, केस हुआ। 1 साल से केस चल रहा है। इस हरिलाल बागड़ी ने कभी आप लोगों को कोई धमकी वमकी दी? अत्याचारी तो आप हैं, दूसरे की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा जमा रहे, भागी आप लोग यहाँ से। अरे हमने इस जमीन की पेमेंट दी है, चेक में रसीद है हमारे पास। आप अपनी रसीद अपने पास रखिए, इस जमीन के सारे कागजात मेरे पास है जिसमें लिखा है जमीन हमको सरकारी कोटे में मिली। अरे भागी आप लोग यहाँ से। तो फिर जब हमारे जमीन का सौदा हो रहा था तो कहाँ थे आप? तब क्यों नहीं ले आए अपनी ये फर्जी कागजात, साले झूठे कही के एक नंबर के? हमारी जमीन पे खड़े होके हमें झूठा बोल रहा है? अरे आ जाए, मेरी बात सुन। अरे जड़ पे खतरा क्या देता हूं? क्यों भागे? अरे देखो, निकलो यहां से। नहीं, अरे आज तो ये बोर्ड उखाड़ा है, जरूरत पड़ी तुम सबको उखाड़ देंगे, भागिए आप लोग यहां से। वो ब्रोकर तो फरार हो गया सर। और फिर वो बागड़ी और उसका बेटा राकेश हमें आए दिन परेशान करते थे। क्या कहते थे? बात हाथापाई तक पहुंच चुकी थी। उसके बाद उन दोनों ने हम दोनों पर जातिवादी हिंसा का केस ठोक दिया। हम दोनों को एक दिन पुलिस लॉकअप में बैठना पड़ा। मामला कोर्ट में है, वो कहते हैं कि वो उनकी जमीन है और हम कहते हैं कि हमारी। गंगाधर जी, क्या आपको लगता है कि बागड़ी ने या उसके बेटे ने आप लोगों को सबक सिखाने के लिए या गुस्से में आपके बेटे संजीव को मारा हो या मरवाया हो? अब बस समय की बात है, आज कल में पहुंच जाएंगे सवाल करने के लिए और जवाब हमें देना ही होगा।
विपुल खुराना? जी विपुल खुराना, यही एक आदमी है जिसने एक बार संजीव को धमकी दी थी। कस्टमर है आपका? जी बिजनेसमैन है, बड़े लोन की एप्लीकेशन की थी तो संजीव ने रिजेक्ट कर दी। हाँ सर मुझे क्लियर याद है, धमकी दी थी उसने संजीव को। बंसल जी ये लिमिट है, आपका एक 2% का क्लर्क मेरा लोन रिजेक्ट करता, मेरा। विपुल जी आप आराम से बताएंगे प्रॉब्लम क्या है, बैठेंगे। सर इन्होंने लोन के लिए जो घर के पेपर्स दिए हैं वो कॉपीज हैं, मैंने ओरिजिनल के लिए कहा तो ये कह रहे हैं कि पेपर दूसरे बैंक के पास है, वहां से भी इन्होंने लोन लिया है, तो एप्लीकेशन प्रोसेस करने का कोई सवाल ही नहीं उठता सर। सुनो लड़के, जितने महीने तुमने इस बैंक में काम किया है ना उतने साल मैंने इस बैंक को बिजनेस दिया है, पूछो अपने बॉस से युवंसल जी। आफ्टर ऑल ट्रैक रिकॉर्ड और रेपुटेशन कोई चीज होती है कि नहीं? पर बैंक के रूल्स भी कोई चीज होती है सर, आई मीन जो घर पहले से किसी बैंक के पास गिरवी है हम उस घर के अगेंस्ट में आपको लोन कैसे दे सकते हैं? मैं इस नौसिखिए के मुंह नहीं लगना चाहता पर एक बात आप ध्यान से सुन लीजिए, इसकी बेवकूफी के चलते आप एक पुराना और इम्पोर्टेंट कस्टमर खो देंगे। आई एम सॉरी पर संजीव जो बात कर रहा है वो पूरी तरह जायज है, अगर हम एक ऑलरेडी गिरवी घर के अगेंस्ट लोन देते हैं तो ये तो एक फ्रॉड होगा। आप मुझे फ्रॉड कह रहे हैं? जी नहीं, सरकार हमें फ्रॉड कहेगी जब ये सारा कुछ ऑडिट में सामने सामने तो तब आएगा ना जब आप सामने करेंगे। देखिए बंसल जी मुझे ये लोन चाहिए और आप इसे मैनेज करेंगे। आई एम सॉरी सर, मैं किसी भी सूरत में ये एप्लीकेशन प्रोसेस नहीं करूँगा, पर एक रिमार्क भी होगा फॉर्म पे कि इस एप्लीकेंट ने मुझे लोन अमाउंट का 5% कमीशन भी ऑफर किया। और उस दिन संजीव आया था बाद में मेरे पास, क्या कह रहा था? कह रहा था कि विपुल ने धमकी दी उसे। बेटा ये लाइफ में पहली बार हुआ है कि मेरा लोन रिजेक्ट हुआ। सर बैंक के कुछ रूल्स होते हैं मैं उन्हें तोड़ तो नहीं सकता ना। मेरा बिजनेस टूट रहा है दोस्त और मेरे रास्ते का सबसे बड़ा काटा तुम। नहीं सर आप गलत हो, बिजनेस में सही और गलत के बीच की लकीर इलास्टिक की बनी होती है और इमरजेंसी सिचुएशंस का एक रूल होता है अपने रास्ते के कांटे को जड़ से उखाड़ के फेंको तो बच के रहना। जी सर यही कहा था मिस्टर विपुल ने, बकायदा धमकी दी थी संजीव को। संभव एंगल्स पुलिस के समक्ष उभर कर आ रहे थे पर कहीं और संदेह का एक मोर्चा कांपना शुरू हो चुका था। कुछ और लोग थे जिन्हें संजीव माथुर की हत्या के बारे में जानकारी थी पर इन लोगों की जानकारी पुलिस के पास अब तक नहीं थी। वैशाली कैसी हो नेहा? मैं ठीक हूँ। मुझे अभी अभी पता चला कि संजीव माथुर से तेरी एंगेजमेंट हुई थी। हाँ हुई थी, लेकिन तूने अचानक इतने टाइम बाद कैसे फोन किया? ऐसे ही मुझे पता चला तो सोचा तुझसे एक बार बात कर लूँ। हम लोग गरीब हैं, दबे कुचले हैं लेकिन कमजोर नहीं, हमारी जमीन हम लेकर रहेंगे। लेकिन हमारी लड़ाई का उनके बेटे के मर्डर से कोई ताल्लुक नहीं है साहब, हमें तो बस हमारी जमीन चाहिए, उसे मारकर हमें जमीन कैसे मिलती? ये कोई पहली बार तो नहीं होगा कि कत्ल की जमीन खून से सींची जाए और दुश्मन को ऐसा जख्म दिया जाए जो जिंदगी भर न भरे। काहे की दुश्मनी साहब, मेरी हक की लड़ाई गंगाधर से है, अगर मारना ही होता तो गंगाधर को मारता, उसके बेटे को क्यों? कत्ल का इरादा रखने वाले की भी नीयत? सर नीयत में खोट तो उन लोगों की थी, पैसों में नहाने वाले लोग हैं वो और हम गरीबों को बूंद बूंद के लिए मोहताज कर रहे हैं। धोखे से हड़प ली हमारी जमीन, अगर मारना ही होता तो वो हमें मार देते, हटा देते हमें रास्ते से, तब उनका असली फायदा होता सर। और साहब ये जो आप वो लड़के का नाम ले रहे हैं उस संजीव माथुर, उसको तो हम जानते तक नहीं,
इंसल्ट की थी उसने मेरी, तो हाँ गुस्से में निकल गई धमकी और रस्ते का कांटा भी निकल गया। क्यों? मैंने वो धमकी सीरियसली नहीं दी थी। आपके ऑफर को सीरियसली लेने वाला आएगा ना वहां, 5% लेकर फ्रॉड लोन पास करने वाला? अब उस कुर्सी पे चाहे कोई भी बैठे, मेरा लोन तो पास होने से रहा, ब्लैकलिस्ट हो गया हूं वहां से। और इसलिए आपने संजीव को ब्लैकलिस्ट कर दिया, जिंदगी से ब्लैकलिस्ट कर दिया, सुपारी दे दी उसके नाम की? सर मैंने आज तक सुपारी दी तो नहीं है, पर इतना जरूर जानता हूं कि कोई भी फ्री में सुपारी नहीं उठाता, और मेरे जेब में सिर्फ लेनदारों के बिल हैं। खस्ता हालत है बिजनेस की, अब ऐसे में मर्डर वर्डर का झंझट क्यों पालूं? जावेद भाई, सुपारी उठाई गई है या नहीं ये मैं नहीं बता सकता। शरद, अब मेरी शक्ल देखने तो आया नहीं तू यहाँ पे। मार्केट में दो छटे हुए बंदे अपने भंगार मार्केट में। नाम? भूषण बोरा और जतिन भंडारी। नाम सुना है दोनों का, दोनों वसूली करते हैं ना? हाँ वही, वसूली एक्सपर्ट और धमकाने में भी एक्सपर्ट। उन लोगों ने सुपारी उठाई? वो तो नहीं बता सकता, लेकिन फिलहाल दोनों मार्केट से गायब हैं, मतलब एक हफ्ते से हवा हो गए हैं। क्यों? जावेद भाई खबरी तो आप हो, हम तो बस छोटे मोटे पॉकेट मार रहे हैं। आप 500,000 देते हैं तो हम बक देते हैं। जावेद भाई एक बात समझ लो, ये दोनों मार्केट से उड़ने वाले कबूतर नहीं है, जरूर किसी ने बड़ा दाना पानी का बंदोबस्त किया है, इसलिए गायब है। सर हरिलाल बागड़ी और उसका बेटा राकेश दोनों दिहाड़ी मजदूर हैं, सुपारी अफोर्ड नहीं कर सकते। विपुल खुराना ने भी यही कहा था ना? सर विपुल के फोन रिकॉर्ड्स और उसके मूवमेंट से ऐसा लगता नहीं है कि उसने संजीव को धमकी दी और उसको फॉलोअप किया। मतलब ले देकर हम फिर से अपने एंगल नंबर 5 पर आ गए, रोडरिज। सर जावेद खबरी ने दो नाम लिए, उस रात मैंने मजाक मजाक में बोल दिया था कि कुछ हो जाए तो तेरी प्लानिंग का क्या होगा, और सचमुच का हो गया यार। यार पुलिस वाले कह रहे हैं कि वो गोली गाड़ी के झगड़े से नहीं, रोड रेज का केस है ही नहीं। विशाल तुझे क्या लगता है? विशाल क्या सोच रहे थे? हाँ कुछ नहीं यार, कुछ तो चल रहा है तेरे दिमाग में। सोचो उस रात वो दोनों पागल सिर्फ 200 रुपए ही तो मांग रहे थे, चर्सी वर्सी रहे होंगे, दे देते यार वहीं के वहीं। इस वक्त संजीव हमारे साथ है, यहां चाय पीते हुए। क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? तुझे अभी भी लगता है सिर्फ 200 रुपए के लिए उन्होंने संजीव को गोली मार दी? और नहीं तो क्या? बात स्ट्राइक की,
विशाल की बात? हाँ, सच कहूं तो मुझे विशाल की बात जम नहीं रही, लेकिन हम लोग पूछेंगे कैसे उससे? और वो जवाब भी क्या देगा? वो आज भी हम दोनों को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि सिर्फ 200 रुपए के लिए उन्होंने संजीव को गोली मार दी। चला गेम खेल रहा है यार। हम अपने दोस्त के बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? क्या होती है दोस्ती? हाँ, जान बचाने को दोस्ती कहते हैं। साला 200 रुपए के लिए उन्होंने संजीव को गोली मार दी और विशाल को जिंदा क्यों छोड़ दिया बे? पागल थे ना वो लोग, गुस्से में थे? विशाल को एक छोटी सी खरोच तक नहीं है। सोच साहब, ये भूषण बोरा और जतिन भंडारी को हर जगह ढूंढा मैंने, कोई मतलब की कोई भी खबर नहीं दोनों की। आखिरी मूवमेंट क्या थी इनकी? साहब, कांड के दो दिन पहले तक तो स्टील भंगार मार्केट में पंटरबाजी चल रही थी इनकी। इस माथुर परिवार का स्टील बिजनेस से कोई ताल्लुक? जमशेदपुर है साहब, यहाँ हर दूसरे का स्टील से ताल्लुक है और स्टील भंगार मार्केट के हर दूसरे का संजीव माथुर के बैंक में अकाउंट है। लेकिन संजीव माथुर दरअसल बहुत ही सीधे साधे लेवल पर बैंक में था, कोई ऐसा बहुत बड़ा दिग्गज तो था नहीं सर, फिर कोई उसकी सुपारी क्यों देता भला? सब पर्सनल एंगल, संजीव और नेहा के बीच वाला। कुछ निकला? नहीं सर, इंटरकास्ट लव था लेकिन दोनों की फैमिली मान गई थी। फैमिली मान गई होगी, लेकिन बिरादरी? कहीं ऑनर किलिंग का केस तो नहीं है? नहीं सर, 3 साल पहले दोनों मिले थे, एक ही कोचिंग क्लास में जाते थे बैंक एग्जाम की तैयारी करने के लिए। दोनों के बीच में लव हुआ, फिर एंगेजमेंट भी हो गई, दोनों तरफ के लोग भी आए थे, ऑनर किलिंग का तो कोई केस ही नहीं बनता। सर, किसी भी पर्सनल एंगल में कोई खास मोटिव नहीं मिल रहा, मतलब एक जवान आदमी को मारने से किसी को कोई तो फायदा होना चाहिए, यहाँ पे तो फायदे का कोई स्कोप ही नजर नहीं आ रहा। चलो तुक्का लगाते हैं, अज्यूम करते हैं कि ये एक सुपारी किलिंग है और इन दोनों हिस्ट्री शीटर्स ने सुपारी को अंजाम दिया। उस रात इन दोनों ने कहीं ना कहीं से तो संजीव की कार को फॉलो किया होगा। और मौका पाते ही दोनों ने संजीव की कार को ओवरटेक किया, फिर इन दोनों की बाइक का कार से टच होना, उसके बाद 200 रुपए मांगना और 200 रुपए ना मिलने पर झगड़ा करना। वो सब सिर्फ एक्टिंग थी, नाटक, ताकि झगड़ा इस हद तक बढ़ सके कि वो संजीव का कत्ल कर सके। सर, अगर ये 5 नंबर वाले रोड रेज का एंगल खर्च कर दिया जाए तो हमारे पास संभावनाओं में कमी नहीं है? अभी फिलहाल के लिए रोड रेज वाले एंगल की पॉसिबिलिटी ऑलमोस्ट जीरो। सर, प्लान मर्डर होने का कम से कम एक ठोस सबूत होना तो जरूरी है, एक सुराग, और हमारे हाथ में कुछ भी नहीं। अरे साहब, पैसा ही हाथ नहीं आया ना। देखिए, हमने आपका काम साफ सफाई से कर दिया, आप हमारा कर दीजिए ना। पुलिस एक हफ्ते से हमारे पीछे घूम रही है, हम पकड़ में आए नहीं ना, तो काहे की देरी कर रहे हैं आप? तो कोई चिड़िया वीडिया थोड़ी ना मारे, मर्डर किया है तो मामला उलझेगा ना, तो अब हम क्या कर सकते हैं उसमें बताइए। देखिए, आप चुपचाप हमारा पैसा भिजवा दीजिए आज। कब बोल रहे देने के लिए? कल बोल रहा है देने के लिए। वो तो साले ने परसों भी यही बोला था। संजीव माथुर उस रात अपने दोस्तों के साथ बार में था। अर्पिता बार में सर। सीसीटीवी कैमरा तो होंगे वहां पे। रावत, फुटेज ले आओ उस रात के। ओके सर। अभी हम यही मान के चलते हैं कि संजीव का पीछा किया जा रहा था, हम वो हर पॉसिबिलिटी टटोलेंगे जिससे यह साबित हो सके कि एक मर्डर था, और अगर हर मोर्चे पर फेल हुए तो वापस इसी एंगल पर लौटेंगे, रोड रेज। हमें 5 मार्च की फुटेज चाहिए, आपके बार की लॉबी की, अंदर की और बाहर की भी। सर, एग्जैक्टली कब से कब तक की चाहिए? मेरा मतलब कोई खास टाइम? सर, हम लोग वहाँ करीब 9:30 बजे पहुँचे थे और निकले होंगे करीब 1:15 बजे। रात 9 बजे से 1 बजे तक सारे कैमराज की फुटेज ट्रांसफर करवा दें।
भंडारी और भूषण बोरा। अब देखते हैं ये जतिन और भूषण चारों का पीछा करते हैं इन्हें। अपना एंगल नंबर 5 रोड रेज लगता है कैंसिल करना पड़ेगा। सर होटल के बाहर की भी सीसीटीवी फुटेज है, शायद उसमें बाइक की डिटेल्स मिल जाएंगे। लगाओ। हमारा ये एंगल नंबर 5 रोड रेज खारिज कैंसिल। अब इस बात में कोई शक नहीं कि हमारे हाथ में रोड रेज का नहीं एक मर्डर का केस। सर उन लोगों को पहले से पूरी इंफॉर्मेशन थी कि संजीव किस बार में बैठा है और किस रूट से अपने घर जाने वाला। रावत, इस ऑपरेशन की जबरदस्त प्लानिंग की गई है और ये दोनों संदिग्ध जतिन और भूषण जिन्हें हम खोज रहे हैं ये दोनों हमारे आरोपी हैं। सर अगर ये दोनों मिल जाते हैं तो इस पूरे कांड का मास्टरमाइंड भी मिल जाएगा और एक बार फिर से ये साबित हो जाएगा कि परफेक्ट मर्डर इज इम्पॉसिबल। अब ये साबित हो गया था कि ये केस रोड रेज का तो कतई नहीं था बल्कि एक बारीकी से रची गई हत्या की साजिश थी। एक प्लान तरीके से तरक्की की ओर बढ़ने वाला 28 साल का संजीव माथुर खुद एक प्लान मर्डर का शिकार हुआ था। अब यह स्पष्ट हो गया था कि वो सड़क पर रोड रेज, वो 200 रुपए की मांग, वो सब कुछ इन्वेस्टिगेशन की आंखों में धूल झोंकने के लिए था। अब दो अहम सवाल उठ रहे थे, संजीव माथुर क्यों मारा गया और उसे किसने मरवाया था। इस केस के साथ खुला शौक का पिटारा, शक के 5 एंगल्स में से सबसे कम वजन वाला एंगल हत्या का कारण साबित हुआ। पर ये एंगल कौन सा था? संजीव की हत्या की प्लानिंग कैसे की गई और फिर हथियारों को पकड़ने की प्लानिंग पुलिस ने कैसे की? भूषण बोरा, जतिन भंडारी, इनके नाम का रेड अलर्ट जारी करो और सर्च ऑपरेशन लॉन्च कर दो। राइट सर। और संजीव माथुर से जुड़े सभी लोग, उसके पिता गंगाधर, उसका भाई आशीष और उसकी मंगेतर नेहा और उसके तीनों दोस्त रवि, नितिन, विशाल, सबके फोन रिकॉर्ड निकलवाओ और बारीकी से स्कैन करो। मर्डर? हमारे संजीव का मर्डर किया गया? हाँ पापा, पुलिस तो यही कह रही है। पुलिस कह रही है कि वो तो बाइक वाले बार में ही थे, संजीव के ऊपर नजर रखे हुए थे और वहां से उसका पीछा करते हुए गए चैतन्य नगर में। क्या आपको पता था कि संजीव अपने दोस्तों से 5 मार्च की रात को होटल अर्पिता में मिलने जा रहा था? कैसा सवाल है ये? बॉयफ्रेंड था वो मेरा, मंगेतर था। अगर रोज मिलते नहीं थे तो दिन में 100 दफा फोन पे बात होती थी, मैसेजेस होते थे, हर पल की खबर होती थी हमें। और मुझे पता था संजीव उस दिन अपने दोस्तों से मिलने गया है। समझदारी से हमें सोच कर बताइए कि कौन हो सकता है जिसको संजीव की मौत से फायदा हो सकता है। ये बात भी अजीब लग रही थी कि सर अगर गोली गुस्से में चली, जिसे रोड रेज कहते हैं, तो सर संजीव पे ही क्यों चली? झगड़ा तो दोनों के साथ हो रहा था ना, संजीव और विशाल के साथ। रवि, ये रोड रेज का मामला था ही नहीं, ये एक प्लान मर्डर था और संजीव किसी ना किसी के निशाने पर जरूर था। किसके निशाने पर था सर? वही तो मैं तुम दोनों से पूछ रहा हूँ कि क्या संजीव विशाल का निशाना था? सर मैंने आपको स्केच के दौरान भी बताया था, उन दोनों ने हेलमेट पहने हुए थे, मुझे उनका चेहरा याद नहीं। बार में इन दोनों ने हेलमेट नहीं पहने थे,
जी जी सॉरी सर, हमने इन दोनों को नोटिस ही नहीं किया। आप लोग किसी बैंकिंग एग्जाम की कोचिंग क्लासेस के लिए जाते थे ना? हाँ सर, हम चारों एक साथ जाते थे, मैं, नितिन, संजीव और विशाल। और नेहा? नेहा? हाँ नेहा। जी सर, नेहा को मैं एक अरसे से जानता हूँ, हम सब एक ही कोचिंग क्लास में थे। ये संजीव नेहा को कोचिंग क्लासेस से पहले से जानता था? नो सर, हम सब कोचिंग क्लासेस में ही मिले थे। यस ऑफ कोर्स, संजीव और नेहा का लव अफेयर शुरू हुआ, पर पहले हमें नहीं पता था, फिर संजीव ने हमें ये गुड न्यूज दी। क्या विशाल के लिए ये वाकई गुड न्यूज थी कि नेहा संजीव की गर्लफ्रेंड बन गई थी? सर, हम चारों बहुत अच्छे दोस्त थे, संजीव की गर्लफ्रेंड बन गई थी, 3 साल से अच्छे रिलेशनशिप में था, तो हमारे लिए तो गुड न्यूज ही थी सर। संजीव हम दोनों से ज्यादा क्लोज विशाल के हो गया था, क्योंकि एक ही बैंक में वो जॉब करते थे ना। क्या दोनों एक ही लड़की से प्यार भी कर रहे थे? और क्या नेहा दोनों की गर्लफ्रेंड थी? कैसी घटिया बातें कर रही हैं आप? मेरी बेटी संजीव की मंगेतर थी, दोनों की शादी होने वाली थी अगले साल। और मैडम, विशाल, नितिन और रवि, इन तीनों को मैं सिर्फ और सिर्फ संजीव के थ्रू जानती थी, अलग से कोई रिश्ता नहीं था मेरा इनके साथ, खासकर वैसा सब भद्दा रिश्ता आप सर्च कर रही हैं। नेहा जी, संजीव का मर्डर हुआ है और दुश्मनी का कोई और एंगल हमारे सामने है नहीं। इसका ये मतलब तो नहीं ना कि आप कोई भी सवाल पूछे, बेमतलब के रिश्ते जोड़े। वो फियांसे था मेरा, प्यार करते थे एक दूसरे से। 3 साल से जानती थी ना आप संजीव को? हाँ। और 3 साल के पहले? 3 साल के पहले क्या? 3 साल से पहले किससे प्यार करती थी आप? पटना, कोलकाता, लखनऊ, जहाँ जहाँ भी मेरे जेल भाई हैं सभी लगे हुए हैं, लेकिन ये साले दोनों भूषण और जतिन पता नहीं कहाँ गायब हो गए। देख शरद, उन दोनों तक पहुँचना पुलिस के लिए बहुत ज़रूरी है, वो दोनों मिले तो ही केस सुलझेगा। तू रेट की चिंता मत कर, 3 गुना दूंगा, 4 गुना दूंगा। जावेद भाई, आखिर मामला क्या है? आम का पेड़ मत गिन, और ये रखे एडवांस, ढूंढ उन्हें। मिल गया? हाँ मिल गया भाई, हमें निकलना चाहिए। चल, वैसे हम कहाँ जा सकते हैं? कहीं भी जा सकते हैं जहाँ पर हम कभी गए नहीं हो, मतलब जहाँ हमें कोई पहचाने नहीं, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, चेन्नई, दिल्ली, कहीं भी। इतनी गर्मी है, कहाँ जाएंगे यार? हमारे चेहरे है ना पुलिस वालों के हत्थे लग गए, सारे पुलिस स्टेशन में फोटो चिपकाए हुए हैं, मोस्ट वांटेड, समझे? कैसे? सीसीटीवी कैमरा, होटल, याद है मैं बोल रहा था नहीं जाते आगे, यहीं रुकते हैं। तुम जिद कर रहे थे, चलो 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 आगे चलते हैं, देखते हैं आगे आया कि नहीं आया। लेकिन साला उन लोग कैसे पता चला वो दो बाइक वाले हम लोग हैं? यार मुझे क्या पता, और पुलिस वाले ना अंधेरे में साया ढूंढ लेते, बगीचे से बदबू सूंघ लेते, वैसे हमें निकलना चाहिए, शायद जमशेदपुर अब दोबारा देखने को नहीं मिले। कोई नई बात नहीं है, इस कांड के मास्टरमाइंड ने अलग सिम कार्ड इस्तेमाल किया होगा, फर्जी वाला। सर, संजीव की उसकी मंगेतर नेहा के साथ रेगुलर बात होती थी, उसके तीनों दोस्त नितिन, विशाल और रवि, उनसे भी रेगुलर बातें होती थी, और सर एक और नंबर है जिस पर कुछ ज्यादा ही बातें होती थी। किसका? देवी का है सर, नंबर फर्जी नहीं है, उसी का है, देवी का संजीव के बैंक में काम करती है। दोनों एक ही जगह काम करते थे तो ज्यादातर काम की बातें होती होंगी। सर, काम की बातें काम की जगह पर आमने सामने होती होंगी, रात को 11 बजे, सुबह 6 बजे, पब्लिक हॉलीडेज, संडेज, मतलब समझ रहे हैं ना? कट्टे का ट्रिगर दबाने वाले हत्यारों को भनक लग गई थी कि पुलिस उनके पीछे हाथ धोकर पड़ गई है। वो अपने कदमों के सारे निशान मिटाते मिटाते गुमनामी की गुफाओं में गुम होने के लिए निकल पड़े थे। दूसरी ओर पुलिस को फोन रिकॉर्ड्स में संजीव माथुर की जिंदगी का एक अनजाना पहलू नजर आया, और तीसरी ओर संजीव की मंगेतर नेहा के बारे में भी उन्हें एक अजीब सी जानकारी मिलने जा रही थी। मैडम, मैटर तो है मगर पुराना है। गोविंद गड़े मुर्दे और पुराने आशिक सबसे ज्यादा बोलते हैं। 3 साल से पहले किससे प्यार करती थी आप? पुराने आशिक का नाम सौरभ गुप्ता है। इस आशिक की कुंडली लाए हो ना, वो क्या कहते हैं इसका स्टेटस, इट्स सिंगल और कॉम्प्लिकेटेड। बिल्कुल
बंदे का स्टेटस आप फुल्ली कॉम्प्लिकेटेड है समझिए, डिवोर्स को एक साल भी नहीं हुआ है। नेहा की वजह से हुआ डिवोर्स? मैडम इल्लो का चक्कर 4 साल पुराना था, अब डिवोर्स किस वजह से हुआ इसका स्टेटस अपडेट तो अभी तक मिल नहीं पाया। 4 साल पहले ये सौरव और नेहा कहाँ मिले, कैसे मिले, कैसे पता चलेगा? वैशाली गुप्ता मैडम। हेलो वैशाली, नेहा की सहेली और सौरव गुप्ता की छोटी बहन मैडम। वैशाली का नंबर? हेलो सब इंस्पेक्टर रावत बोल रहा हूँ, जगदीशपुर पुलिस स्टेशन से। जी सर। देविका जी आपको पुलिस स्टेशन आना होगा। मुझे क्यों आना है पुलिस स्टेशन? जब आप आएंगे तब आपको सब बता देंगे, फोन पर बात नहीं हो सकती, जल्दी आइएगा। संजीव माथुर के बारे में बात करनी है, लेकिन मैं तो उन्हें जानती तक नहीं हूँ। नेहा को तो जानती होंगी, काफी अच्छी तरह जानती होंगी, हाँ या ना? हाँ, लेकिन उस बात को तो 4 साल हो चुके हैं। कोई बात नहीं, आपसे काफी बातें होंगी, कल सुबह 10 बजे हमारे थाने में, एड्रेस नोट कीजिए। हमने अंधेरे में तीर चलाए तो हैं, देखते हैं पहले कौन सा तीर निशाने पे लगता है। मानो उन्होंने गोली से संजीव को मारी, मुझे छोड़ दिया, पर इसमें मेरी क्या गलती? इसके लिए तुम दोनों मुझ पर शक कर रहे हो? सालों संजीव जितना तुम्हारा दोस्त था ना उतना मेरा भी था, कितने सालों पुरानी दोस्ती है हमारी यार, हाँ सब भूल गए। देख विशाल, हम तेरे पे शक नहीं कर रहे थे। हाँ यार, वो पुलिस वालों ने कहा कि दोनों हथियारे बाहर से पीछा कर रहे थे, तो एक सेकंड के लिए लगा कि संजीव को गोली लग गई और विशाल को एक खरोंच भी नहीं आई। लेकिन उन दोनों को हमारे पार्टी के बारे में पता कैसे चला? मैंने तो किसी को भी नहीं बताया था। और मैंने भी नहीं, मैंने भी नहीं। शायद संजीव ने किसी को कहा, और संजीव अपनी एक एक बात दो जगह जरूर बताता था, एक अपने घर वालों को और दूसरी नेहा को। क्या कह रही है पुलिस? वही, इन्वेस्टिगेशन जारी है। ऐसी भी क्या दुश्मनी थी हमारे संजीव से कि उसके पीछे किराए के हथियारे भेज दिए और उसे ऐसे मार दिया? बेटा, दर्द इतनी आसानी से नहीं जाता, और शायद पूरी तरह तो कभी नहीं जाता, पर बीता वक्त लौट कर भी तो नहीं आता ना बेटा। जिंदगी तो जीनी पड़ती है ना, चाहे कुछ भी हो जाए, आगे की तो सोचनी ही पड़ती। देविका जी, आप इतनी डरी क्यों हैं? सर, क्योंकि मुझे नहीं पता आपने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया है। संजीव माथुर को जानती थी? जी हाँ, वो मेरी कलीग थे। फ्रेंड्स? जी हाँ। गुड फ्रेंड्स? ओनली फ्रेंड्स? सर, मैं उसे लाइक करती थी। और वो? सिर्फ मेरी तरफ से था। एक तरफा प्यार? जी नहीं सर, एक ऐसा प्यार जिसका कोई फ्यूचर नहीं था। अब तो संजीव माथुर इस दुनिया में नहीं रहे। मैं उसे प्यार करती थी सर, लेकिन वो क्लियर था, वो अपने हदें जानता था और हकीकत भी। सच कहूं देविका? नहीं ना, कि तुम मुझे झूठा दिलासा नहीं देना चाहते। तुम जानती हो यार, एंगेज्ड हूं मैं नेहा से। लेकिन तुम मुझसे भी तो प्यार करते हो संजीव, एक्चुअली तुम सिर्फ मुझसे प्यार करते हो। देविका, मैं नेहा के साथ कमिटेड हूं, मैं उसके साथ किसी के साथ भी चीटिंग नहीं कर सकता।
हमारे प्यार को चीटिंग तो मत कहो, बुरा लगता है, दुख होता है। देखो देविका, अगर कुछ छिपाना पड़े तो ऐसा कुछ ना ही करें तो अच्छा है। मेरे और नेहा के रिलेशनशिप को 3 साल हो चुके हैं, सबको मालूम है, और अगले साल हम शादी भी कर रहे हैं, वो भी सबके सामने होगी। आई नो देविका, आसान नहीं होगा, बुरा लगेगा, सिर्फ तुम्हें नहीं मैं भी फील करता हूँ, बट वी हैव टू डू द राइट थिंग देविका। हमें ऐसी कोई भी लाइन क्रॉस नहीं करनी चाहिए जहां से लौटना हम सबको दर्द देगा। बस फिर उसके बाद हम सिर्फ गुड फ्रेंड्स ही रहे, उसके आगे कुछ नहीं। तो फिर आप इतना डर क्यों रही हैं? क्योंकि सर, संजीव और मेरे बीच की बात किसी थर्ड पर्सन को नहीं पता थी। मैं बस डर रही हूँ कि कहीं यही तो वजह नहीं है जिस वजह कैसे आप और संजीव माथुर की गुड फ्रेंडशिप जो किसी को पता ही नहीं थी, फिर आप संजीव माथुर के मर्डर की वजह कैसे हो सकती? मुझे नहीं पता सर, मैं बस इतना चाहती हूँ कि ये वो वजह ना हो। रावत, मुझे इस देविका राय के ना सिर्फ फोन रिकॉर्ड्स चाहिए बल्कि इसके SMS, सोशल मीडिया साइट्स पर इसकी सारी लॉगिंस और चैट्स सब चाहिए। सर, इतने श्योर हैं आप इसके बारे में? मैं इसलिए श्योर हूँ क्योंकि ये बहुत अनश्योर थी और जरूरत से ज्यादा डरी हुई भी। संजीव माथुर के फोन रिकॉर्ड से देविका राय वाला मामला सामने आया था, उसकी क्वेश्चनिंग से बयां हुई एक साइलेंट लव स्टोरी। लेकिन संजीव के फोन रिकॉर्ड्स को टटोले जाने से कहीं और किसी के हाथ कांपने लगे थे। चंदन, पुलिस ने संजीव माथुर के फोन रिकॉर्ड्स क्यों मंगाए होंगे? मुझे क्या पता, मैं तो उसे ठीक से जानता भी नहीं था। देख, जब मैं पुलिस के लिए रिकॉर्ड्स निकलवा रहा था तब मुझे लॉगिन करना पड़ा। सिस्टम में एंट्री हुई है कि 2 महीने पहले संजीव माथुर के फोन रिकॉर्ड्स निकलवाए गए थे और रिकॉर्ड्स निकलवाने वाले एम्प्लॉय का नाम है चंदन भट्ट, जो तू है। हाँ हाँ, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? मैंने किसी बिलिंग पर्पस के लिए निकलवाए होंगे। 2 महीने पहले संजीव माथुर के फोन रिकॉर्ड्स निकाले तो गए थे पर बिलिंग इश्यूज के लिए नहीं। संजीव माथुर के कत्ल का प्लान एक अरसे से बुना जा रहा था। तो 4 साल पहले आप और नेहा बेस्ट फ्रेंड थी? जी सर। पारो गुप्ता कौन है? मेरे बड़े भाई हैं सर। जो कभी नेहा के बॉयफ्रेंड भी हुआ करते थे? हाँ सर, लेकिन मुझे ये बात काफी देर से पता चली। वैशाली, आप और नेहा कहाँ और कैसे मिले, और फिर आपके भैया और नेहा कब मिले, कैसे मिले और क्यों बिछड़े, पूरी कहानी शुरू से सुनाओ। नेहा और मैं कॉलेज में साथ थे, ग्रेजुएशन कर रहे थे, हम दोनों को एक ही हॉस्टल रूम अलॉटेड था। नेहा, आज कोई क्लास नहीं है तेरा? नहीं यार, बहुत ही बोरिंग सा प्रोफेसर है, मैं अगले लेक्चर में आ जाऊंगी। सौरभ जी, वैशाली कहाँ है? आप? मैं सौरभ गुप्ता, वैशाली का बड़ा भाई। हेलो, मैं नेहा, वैशाली की रूममेट। वो वैशाली कब तक वापस लौट के आएगी? वैशाली क्लासेस के लिए गई है ना, उसे आते आते शाम हो जाएगी। ओके। अगर आपका कोई मैसेज है तो मैं दे दूंगी उसे। मैसेज कुछ नहीं है, बस आप उसको बता दीजिएगा कि उसका बड़ा भाई सौरभ आया था। दोनों मेरे थ्रू मिले और मेरे पीठ पीछे ही मिलते थे। मुझे तो पता भी नहीं था कि भैया अक्सर हॉस्टल आते हैं सिर्फ नेहा से मिलने। दोनों सीरियस थे एक दूसरे को लेकर? नहीं सर, वो तो बस ऐसे ही था,
और खत्म भी हो गया था। आपको कब और कैसे पता चला? कब आए थे? सुबह में आए थे। अच्छा, बड़ा अजीब लगा था मुझे कि सौरभ भैया हॉस्टल आए थे और मुझसे मिले बिना ही चले गए। हाँ, वो तो सुबह ही निकल गए थे, मिले नहीं क्या अभी तक? मैं क्लास में थी ना, तो शायद आके चले गए होंगे। मैं थोड़ी देर में कॉल करके पूछ लूंगी। ये पहली बार नहीं था। धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा कि ये माजरा क्या है। आ गई तू? कैसा रहा लेक्चर? क्या हुआ, तेरा मूड खराब है? नेहा, आज तक सिर्फ दूसरों से सुना था, आज देख भी लिया। क्या क्या जानती नहीं हो क्या? देख वैशाली, वो कुछ देखना वेखना नहीं है, जो देखना था वो देख लिया। सौरभ ने ही मना किया था बताने से, हम अभी श्योर नहीं है ना। किस चीज को लेके श्योर नहीं हो? शादी वादी? ऑफकोर्स यार, वरना ऐसे थोड़ी ना। नेहा, मेरी भाभी 5 महीने प्रेग्नेंट है। तुम्हारी भाभी? हाँ, सौरभ भैया की वाइफ श्रुति। सौरभ की वाइफ? तुम्हें पता नहीं था क्या? नहीं बताया, कुछ नहीं बताया उसने। उनके बीच जो कुछ भी था वो वही खत्म हो गया था, और भैया और भाभी के बीच भी। तो आपकी भाभी को भी इन दोनों के अफेयर के बारे में पता चल गया था? उन्हें शक हो गया था तो उन्होंने घर छोड़ दिया। फिर मेरे मम्मी पापा और उनके पेरेंट्स ने बहुत मेहनत की उनको साथ लाने में, लेकिन जैसे ही नेहा को भैया के झूठ के बारे में पता चला, उसने वो रिश्ता वहीं एंड कर दिया। पक्का? उसके बाद उन दोनों के बीच में कुछ नहीं था, या अब उन दोनों के बीच में कुछ नहीं है? सर, मुझे जितना पता है वो मैं आपको बता रही हूँ। 1 साल बाद कॉलेज ख़त्म हुआ, उसके बाद हम सब घर लौट गए, उसके बाद मेरी भतीजी पैदा हुई। पर तुम्हारे भैया भाभी तो अलग हो चुके हैं, डिवोर्स हुआ उनका? हाँ, उस अफेयर के बाद उन दोनों के बीच पूरी तरह से बन ही नहीं पाई। रावत, भैरवी, इस झूठ की नींव पर खड़ी लव स्टोरी का सच हमें जानना होगा। पर सर, हमें ये कहानी तो सिर्फ इस लड़की के एंगल से पता है। तो अब हम ये कहानी दूसरी तरफ से सुनेंगे, नेहा और सौरभ की तरफ। बुलाओ दोनों। इस केस में एक तरफ था एक दोस्ती का रिश्ता जो कभी प्यार का रिश्ता ना बन पाया, और दूसरी तरफ था एक शादी में बंधने जा रहा रिश्ता जिस पर अतीत का एक साया मंडरा रहा था। क्या थी सच्चाई इस अतीत की, क्या थी इस टूटे रिश्ते की दास्तां? और आखिरकार सबसे अहम सवाल था, वो क्या कारण था जिसकी वजह से बीच जवानी में एक जिंदगी छीन ली गई, और जहां उस जिंदगी से जुड़ा हर रिश्ता अब शक के दायरे में आ गया। एक तरफ था एक जुर्म का जाल और दूसरी तरफ था जाल रिश्तों का। अब इन जालों के कौन से धागे टूटे हुए थे और कौन से धागे एक दूसरे से जुड़े हुए थे, ये जानना बाकी था। इन धागों की गांठें तब खुली जब पुलिस के सामने सुराग एक बहुत ही अनपेक्षित कोने से प्रकट हुआ। सवाल उठा कि क्या रिश्ता टूटने के 4 साल बाद भी सौरभ गुप्ता और नेहा के बीच में अब भी कुछ सुलग रहा था? सौरभ गुप्ता? जी हाँ, सौरभ गुप्ता, आपकी कॉलेज हॉस्टल रूममेट वैशाली गुप्ता का बड़ा भाई, जिसके साथ आपका कभी अफेयर हुआ करता था। 4 साल पहले हुआ था सर, लेकिन मैं उसे कब का भुला चुका हूँ। वो रिश्ता बहुत पहले ख़त्म हो चुका था सर। सर, अब कुछ चीज़ें मुश्किल होती हैं,
लेकिन नामुमकिन नहीं। जैसे कि एक साल पहले के रिकॉर्ड्स निकलवाना, और पता तुम्हारे रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं? कि तुम झूठ बोल रहे हो। ये रिकॉर्ड्स ये तो साबित नहीं करते ना कि हम दोनों में अभी भी कोई रिश्ता है। सर हम दोबारा कभी नहीं मिले क्योंकि नेहा बहुत आगे निकल चुकी थी और मैं भी आगे बढ़ गया था। हाँ कभी कभार एक दूसरे का हालचाल जानने के लिए फोन पे बात हो जाती थी। सच? सच। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमारी बात नहीं होती थी। बात होती थी हमारी। पर रिश्ता नहीं था? नहीं था सर। वो क्या है ना सर, रिश्ते टूटने के बाद भी कि धूल से रह जाती है यादों में और हम बस एक दूसरे की खबर रखते थे। आप दोनों के बीच में क्या बात होती थी? क्या वो आपके साथ फिर से रिश्ता शुरू करना चाहता था? सर मैं नेहा से हमेशा से शादी करना चाहता था क्योंकि मेरी पहली शादी एक गलती थी। लेकिन सर मुझे यह भी पता था कि अब नेहा के साथ मेरा कुछ नहीं हो सकता। तुम्हें तो यह भी पता था कि नेहा की मंगनी हो चुकी, उसकी शादी होने वाली। सर वो तो मुझे अभी 6 महीने पहले पता चला जब मेरी नेहा से बात हुई। लेकिन सर मेरी तरफ से कभी कुछ नहीं था। मुझे कॉल्स करता था, मैसेजेस करता था, पुरानी यादों को ताजा करता था। मैं बस उसे मना नहीं कर पाती थी। ना ना कहना भी तो हाँ ही समझा जाता है। लेकिन सर मेरी तरफ से कुछ नहीं था। जिस तरह से उसने अपनी शादी छुपाई थी, क्या आपसे उसने अपना डिवोर्स भी छुपाया? जी नहीं सर, उसने बताया था मुझे कि उसने डिवोर्स लिया है, पर मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उसकी जिंदगी है। और आप उसकी जिंदगी का हिस्सा? जी नहीं सर, मैं संजीव की जिंदगी का हिस्सा थी जिसके साथ मैं अपनी पूरी जिंदगी बिताने वाली थी। सौरभ सिर्फ एक अतीत था मेरे लिए। बस बहुत हुआ सौरभ, मैंने कई बार तुम्हें पोलाइटली समझाया है। देखो मैं तुम्हारी इंसल्ट नहीं करना चाहती, लेकिन इनफ इज इनफ सौरभ। ये फोन कॉल्स, ये मैसेजेस, सब कुछ एकदम बंद। नेहा प्लीज मेरी एक बार बात सुनो। देखो मैंने अपनी शादी की बात तुमसे सिर्फ इसलिए छुपाई क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। डिवोर्स फाइल करने के बाद मैं तुम्हें सब कुछ बताने वाला था, सब कुछ अच्छे से प्लान किया था, बट सब फेल हो गया। जो हुआ वो हुआ, बात वही खत्म। नेहा बात खत्म नहीं हुई है, तुम समझने की कोशिश करो। श्रुति और मेरा डिवोर्स हो चुका है, अब मैं पूरी तरह से सिंगल हूँ। नेहा अब हमारे बीच में कोई नहीं आ सकता है। प्लीज प्लीज लौट आओ। स्टॉप इट सौरभ, मैं सीरियसली कह रही हूँ, मेरी मंगनी हो चुकी है और अगले साल मेरी शादी होने वाली है। मंगनी हुई है ना नेहा, शादी तो नहीं। नेहा मंगनी कैंसिल भी हो सकती है। प्यार हुआ है सौरभ, वो तो कैंसिल नहीं हो सकता ना। सच्चा प्यार जो मैं अपने मंगेतर से करती हूँ, जो तुमने तो कभी मुझसे किया नहीं और मैं तुमसे कभी करूंगी नहीं, इस जिंदगी में तो बिल्कुल नहीं। नेहा प्लीज ऐसा मत बोलो, प्लीज। अच्छा तो यही होगा सौरभ कि मैं कुछ बोलू ही ना और तुम भी कुछ मत बोलो। आज के बाद ये सारी बातें यही खत्म। बेस्ट ऑफ लक, बाय। नेहा, नेहा। बुरा तो बहुत लगा सर, ऐसा लगा जैसे जैसे आपका कोई बहुत करीबी चल बसा हो। लेकिन कोई जब गुजर जाता है तो वो वापस लौटता नहीं है ना सर। उसी तरह अगर कोई इंसान ये फैसला ले ले तो उसे बदल पाना बहुत मुश्किल है, खास तौर पर तब जब वो इंसान खुद ही बदल जाए। 4 साल पहले की नेहा और आज की नेहा में जमीन आसमान का फर्क है सर। मेरा दिल, मेरी सोच, मेरा सब कुछ बदल चुका है। आपका फैंस है संजीव माथुर, इस सौरभ गुप्ता के बारे में कितना जानता था? वो नहीं जानते थे, उन्होंने कभी मुझसे मेरे अतीत के बारे में नहीं पूछा था और ना ही मैंने उनसे कभी पूछा। लेकिन सर अगर वो मुझसे कभी भी पूछता तो मैं उसे बता देती। संजीव एक बहुत ही अच्छा और बहुत सीधा इंसान था सर, मैं उसके साथ कभी चीटिंग नहीं कर सकती थी। और ये सौरभ गुप्ता, ये आपके फियांसे संजीव माथुर के बारे में कितना जानता था? मेरे मुंह से तो कभी संजीव का नाम तक नहीं निकला था सर, कभी भी नहीं। मैं सौरभ को हमारी जिंदगी से दूर रखना चाहती थी। सर जब उसने मुझे बता दिया कि वो अपने मंगेतर से प्यार करती है, उससे शादी करना चाहती है, तो मेरे लिए काफ़ी था। सर आज आप मेरे लिए 2 और 2 4 जोड़ रहे हैं। मुझे तो अब पता चला कि वो संजीव माथुर जिसका मर्डर हुआ, वो पुनिया का मंगेतर था। सच बोल रहा सौरभ? सर मैं सच ही बोल रहा हूँ, और वैसे भी मेरे लिए सिर्फ एक ही सच है, और वो यह है कि मेरे लिए प्यार का मतलब नेहा था। और तुमने उसके प्यार के बारे में जानने की कोशिश ही नहीं की।
वो इंसान जिसके साथ वो जिंदगी बिताने वाली थी, शादी करने वाली थी। सर, सौरभ गुप्ता के पिछले 3 साल के फोन रिकॉर्ड चेक किए, संजीव के साथ उसका कोई कनेक्शन नहीं दिख रहा। इस वक्त हमारे सामने कौन है? देविका राय, जो संजीव माथुर से एक तरफा प्यार करती थी, और देविका के रास्ते का कांटा थी नेहा। तो अगर देविका को कुछ करना होता तो वो नेहा को मरवाती, संजीव माथुर को नहीं। और दूसरी तरफ है सौरभ गुप्ता, जिसके रास्ते का कांटा था संजीव माथुर। तो क्या सौरभ गुप्ता ने संजीव को जड़ से उखाड़कर अपने रास्ते का कांटा साफ किया? लेकिन इस बात के कोई सबूत नहीं हमारे पास। सर, सबूत सिर्फ CCTV फुटेज में, जिसमें 2 सस्पेक्ट्स हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो किराए के हैं या फिर उनकी संजीव के साथ कोई दुश्मनी है। हमें तो ये भी नहीं पता कि वो इस वक्त है कहाँ। इन शॉर्ट, इस वक्त हमारे हाथ में कुछ नहीं। ये एक ऐसा केस लग रहा था जिसमें कोई लीड नहीं थी और जो एक चक्रव्यूह में गोल गोल घूमे जा रहा था। इस हत्या को अंजाम देने वाले इस जुर्म के मास्टरमाइंड्स तक पहुंचने की एकमात्र कड़ी पुलिस के रडार से उड़ चुकी थी। पीड़ित के घर वाले दर्द की अंधी गली में जवाब ढूंढ रहे थे कि आखिरकार उनके बेटे की ऐसी निर्दयी हत्या क्यों हुई और किसने करवाई। सवाल हर किसी के पास थे, पर जवाब में या तो खामोशी थी या और एक सवाल। ये जवाब जब बतौर सवाल सामने आया तो पुलिस अचरज में पड़ गई। सवाल के भेस में ये सुराग था। ये संजीव माथुर क्या नेहा तिवारी का मंगेतर है? क्या ये संजीव माथुर है नेहा तिवारी का मंगेतर? हे ऐप डेट 1st मार्च। देवी का रहेगा हे ऐप चैट का मैसेज है सर। हेलो, ट्रिपल 4 8 5 6 5 2 5। किसका नंबर? मुझे नहीं पता सर। कोई तुम्हें इस नंबर से तस्वीर के साथ एक मैसेज भेजता है और तुमसे पूछता है कि क्या ये संजीव माथुर है नेहा तिवारी का मंगेतर, और तुम जवाब में लिखती हो यस, और अब तुम कह रही हो तुम्हें नहीं पता ये नंबर किसका है। मेरा यकीन कीजिए सर, मुझे सच में नहीं पता। तो तुमने रिप्लाई क्यों किया बिना सोचे समझे? एक सेकंड के लिए भी दिमाग में ये नहीं आया कि ये नंबर किसका है। The number you have called is currently switched off. Switch off, sir. Call records निकलवा। चल। बोलिए देविका राय, बोलिए। इस बात का जवाब तो आपको देना पड़ेगा कि मैसेज आपको किसने भेजा था। मुझे सच में नहीं पता सर, मुझे नहीं पता कि मुझे मैसेज किसने किया था। मैंने तो बस इसलिए हाँ कर दी थी क्योंकि यही तो फैक्ट है ना, संजीव नेहा का मंगेतर है, और ये हकीकत कोई नहीं बदल सकता। ये हकीकत बदली, संजीव माथुर अब नेहा तिवारी का मंगेतर नहीं है। इनफैक्ट संजीव माथुर अब इस दुनिया में ही नहीं। रावत, केस सॉल्व। ये रहा कनेक्शन। ये एंगल तो हमने सोचा भी नहीं था। अब इसका ऐसा टेंटवा दबाएंगे कि एक ही झटके में पूरी कहानी सुनाएगा। मैंने कहा था ना, कुछ चीजें मुश्किल होती है लेकिन नामुमकिन नहीं। हमने अंधेरे में तीर चलाया जो निशाने पर लगा, बस अंधेरा दूर होने का इंतजार करते। देविका जी, उस इंसान ने आपको हे ऐप पे पूछा कि क्या संजीव माथुर नेहा तिवारी का मंगेतर है, और आपने रिप्लाई में यस किया, बिल्कुल भी डीले नहीं किया। ऐसा कैसे हो सकता है कि आपने ये जानने की भी कोशिश नहीं की कि कौन है आदमी और क्या मकसद है अजनबी का? सॉरी मैम, मैंने नहीं सोचा, मैंने सच में नहीं सोचा। नहीं साहब,
नहीं साहब, मैं कुछ नहीं जानता। मैं सच कह रहा हूँ साहब, मेरी बात का यकीन करिए, मैं सब के बारे में कुछ भी नहीं जानता। साहब आपको गलतफहमी हो रही है साहब। हमारे सामने इस कुर्सी पर बैठने वाला हर मुजरिम पहले यही डायलॉग बोलता है, लेकिन हम हर मुजरिम को सच बोलने का एक मौका जरूर देते हैं। उसके बाद भी अगर वो यही डायलॉग रिपीट करता है, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे कुछ नहीं पता, तो फिर हम डायलॉग नहीं बोलते, सीधा एक्शन शुरू करते हैं। और जब हम एक्शन शुरू करते हैं तो ये जो कांस्टेबल है, ये डंडे से पिटाई शुरू कर देते हैं, और तुम्हारी इतनी पिटाई करेंगे कि तुम्हारी हड्डी पसली एक हो जाए। ठीक से बैठना तो क्या, ठीक से लेट भी नहीं पाओगे। तो अब ये तुम तय कर लो, पहले तुम्हारी जुबान चलेगी या हमारा डंडा। सर, सर मैंने ही मरवाया था संजीव को, और मैंने ही उन दोनों को सुपारी भी दी थी। तुम्हारी झूठ की बुनियाद पर खड़ी ये नेहा वाली लव स्टोरी हम सुन चुके हैं, अब तू हमें एक्शन स्टोरी सुना। देविका राय से तुम्हारा कांटेक्ट कैसे हुआ? वो दो किराए के हत्यारे कौन थे, और संजीव माथुर को तुमने कैसे मरवाया? पूरी कहानी सुना दे कि झटके में क्लाइमैक्स तक। और हाँ, नो इंटरवल। जब नेहा ने मुझे फोन करके बताया कि वो इंगेज्ड है और वो अपने मंगेतर से प्यार करती है और वो बहुत जल्द शादी करने वाली है, तो बस सर, मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने नेहा से अपनी शादी की बात इसलिए छुपाई ताकि पहले उसे अच्छी तरह से तैयार कर लूं, उसे जीत लूं। इसीलिए मैंने अपनी वाइफ श्रुति को भी डिवोर्स दे दिया था ताकि हमारे बीच में कोई रुकावट ना हो सर। लेकिन जब वो खड़ी आई तो नेहा ही तैयार नहीं थी। तुम संजीव माथुर को नहीं जानते थे, यहां तक कि तुमने उसका नाम भी नहीं सुना था। नहीं सर, मैं तो देविका को भी नहीं जानता था। तुमने देविका राय के मोबाइल पर संजीव माथुर की तस्वीर के साथ ही मैसेज भेजा था कि क्या यही संजीव माथुर है जो नेहा तिवारी का मंगेतर है? जी, और उसी मैसेज की वजह से मैं पकड़ा गया ना। देविका राय का नंबर तुम्हें कहां से मिला? जड़ से उखाड़ फेंकना। सौरभ के मसले की, उसकी कश्मकश की जड़ संजीव माथुर था, नेहा का मंगेतर, एक ऐसा इंसान जिसके बारे में सौरभ को कोई जानकारी नहीं थी। ना कभी देखा, ना कभी फोन पर बात हुई, और ना ही कभी आमने सामने मिला। अब सौरभ के लिए संजीव के बारे में जानकारी नेहा से तो मिलने से रही, और अगर वो कोशिश भी करता तो उसके प्लान के हर कदम के निशान सीधे पुलिस तक पहुंचने का खतरा भी था। मैंने एक फेक फ्रेंड स्क्वायर प्रोफाइल बनाया आंचल मिश्रा के नाम से, और बड़ी कोशिशों के बाद नेहा ने मेरा फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया। फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होने के बाद मुझे नेहा के फोटोग्राफ्स देखने को मिले। मैंने इन फोटोग्राफ्स की मैचिंग की, और पता चला बंदे का नाम संजीव माथुर है। फिर मैंने संजीव माथुर का फोटो और फोन नंबर ढूंढ के निकाला। तुम तो संजीव माथुर को जानते तक नहीं थे, और ना ही नेहा ने तुम्हें संजीव के बारे में कुछ बताया था। फिर तुम कैसे श्योर हुए कि ये वही संजीव माथुर है जो नेहा तिवारी का मंगेतर? श्योर नहीं था सर, इसलिए तो श्योर करवाया। सौरभ यार, क्या कह रहा है तू, मरवाया क्या? निकलवाना यार, एक नंबर के फोन रिकॉर्ड ही तो निकलवाने के लिए कह रहा हूँ मैं तुझसे। यार फोन रिकॉर्ड निकलवाने कोई हलवा पूरी तो है नहीं यार। नाम मत बोल। देख, मैं तुझे नंबर और नाम दोनों SMS कर रहा हूँ, ठीक है? और तू आसानी से कर लेगा यार, तेरी कंपनी का ही सिम कार्ड है। वो सब ठीक है, लेकिन तू पहले मुझे ये बता कि तेरा इरादा क्या है। भाई मैं कुछ भी गलत नहीं कर रहा हूँ, समझ रहा है तू? तो फिर बोल क्यों नहीं रहा? यार बोल दूंगा यार, और तू मुझे जानता नहीं है क्या जो ऐसे सवाल जवाब कर रहा है? पहले रिकॉर्ड्स तो निकलवा। मैंने मेरे दोस्त चंदन को पटा लिया संजीव माथुर के फोन रिकॉर्ड्स निकलवाने के लिए। संजीव के फोन रिकॉर्ड्स में से मुझे एक नंबर मिला जिस पर संजीव फोन किया करता था। नेहा के नंबर के बाद यही एक नंबर था जिस पर संजीव के मैक्सिमम कॉल्स जाते थे। मैंने तुक्का लगाया और इस पर एक हेप मैसेज भेजा।
अब मुझे कंफर्मेशन मिल गया था कि ये वाकई में संजीव माथुर है जो नेहा का मंगेतर है। उसके फोन रिकॉर्ड से मेरे पास उसका एड्रेस भी था। फिर मैंने उसका पीछा शुरू किया। पता चला बैंक में जॉब करता है। नितिन और रवि दोनों 5 मार्च को आने। सुपर, चल इस बार पार्टी मैं देता हूँ। वही अपना पुराना अड्डा, अर्पिता होटल के बाहर में। परफेक्ट, उससे अच्छी जगह नहीं है। अभी दोनों को मैसेज करता हूँ कि 5 मार्च की रात लॉक कर लें। मुझे नहीं पता था कि वो दिन इस काम के लिए सही था कि नहीं, लेकिन मैंने सोच लिया था कि उस दिन काम करना है तो बाकी सब ठीक हो ही जाएगा। इस शनिवार 5 मार्च को रात में वो अर्पिता होटल के बार में होगा, पक्का अपनी गाड़ी से आएगा। तुम लोग उसका पीछा करोगे और सुनसान जगह देखकर, ये फोटो है उस लौंडे का, इसको ठोकना है। हाँ, अच्छी तरह से देख लो, हो सकता है कि कोई इसका दोस्त भी इसके साथ हो, लेकिन मरना सिर्फ यही चाहिए। ठीक है, मरेगा ये, ध्यान से। हार्डवेयर के धंधे में हूं तो भंगार मार्केट में आना जाना लगा रहता है, वहां के बदमाशों को भी जानता हूं। वहीं से पता चला कि ये दोनों सुपारी लेते हैं। तुमने ये सब प्लानिंग, ये मर्डर ये सोच के किया कि ये सब करने के बाद नेहा तुम्हारे पास वापस आ जाएगी? वो तो आना ही था ना सर, हमारे बीच में एक ही कांटा था, वो था संजीव, जिसे मैंने जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया था। रास्ता क्लियर था सर? रास्ता क्लियर जरूर हुआ, लेकिन तुम्हारे और नेहा के मिलन का रास्ता नहीं, बल्कि तुम्हारे और कोर्ट के बीच का रास्ता, जहां से तुम्हें सीधा जेल भेजा जाएगा। संजीव की मौत का कारण और उसकी पूरी प्लानिंग सुनकर संजीव के दोस्त बौखला गए। देविका यकीन ही नहीं कर पा रही है कि उसने एक अजनबी के मैसेज को रिप्लाई किया और जिसकी वजह से उसके प्यार संजीव की हत्या में मदद हुई। संजीव के घर वाले मान ही नहीं पा रहे हैं कि संजीव का हत्यारा एक ऐसा आदमी है जो संजीव को जानता तक नहीं था, बस उसे सिर्फ इसलिए मार डाला क्योंकि संजीव की मौजूदा मंगेतर 4 साल पहले उस आदमी की माशूका रही थी। नेहा बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड है, उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक अतीत के रिश्ते का भूत उसके वर्तमान में इतना दुखद उधम मचाएगा। अपने स्वार्थ को प्यार समझने वाले इस व्यक्ति ने एक मासूम इंसान की जिंदगी बेवक छीन ली। संजीव माथुर ने जिंदगी जीने का पूरा प्लान बना रखा था, लेकिन नियति की प्लानिंग कुछ और ही थी। एक चोट खाया प्रेमी उसकी मौत की प्लानिंग कर बैठा और दुर्भाग्यवश कामयाब भी हुआ। किसी की जिंदगी को जड़ से उखाड़ कर अपनी जिंदगी की जड़ें कभी मजबूत नहीं हो सकती। यह तो सरासर हत्या का केस था। यदि कोई किसी को किसी भी तरह का घाव देना चाहे, आर्थिक रूप से या इमोशनल तरीके से, ऐसा सोचने वाले का हमेशा नुकसान ही होता है। ये एक क्लियर कट केस है सतर्क ना रहने के अंजाम का। देविका राय को एक अज्ञात नंबर से मैसेज आया संजीव माथुर के बारे में जानकारी मांगता हुआ। अगर देविका ने उसी वक्त सतर्क होकर यह सोचा होता कि कोई अजनबी उससे जानकारी क्यों मांग रहा है और ये बात उसने संजीव को बताई होती तो शायद संजीव सतर्क हो जाता और शायद सौरभ अपने क्रिमिनल इरादों में सफल नहीं हो पाता। उसी तरह से मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर के ऑफिस में काम करने वाले सौरभ के दोस्त चंदन को भी सतर्क हो जाना चाहिए था जब सौरभ ने उससे संजीव के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाने की संदेहजनक दरख्वास्त की। चंदन ने बिना सोचे रिकॉर्ड्स निकालकर एक गैर कानूनी हरकत की और अनजाने में वो भी सौरभ के प्लान का हिस्सा बन गया। उसे नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया है और पुलिस उससे और पूछताछ कर रही है। हर जुर्म होने के पहले अक्सर एक सिग्नल देता है जो मुजरिम और पीड़ित दोनों के करीबी लोगों को सतर्क करने के लिए एक दस्तक होती है। अपनी आंख, कान
और सबसे ज्यादा अपना दिमाग खुला रखें, जुर्म काफी कम हो सकते हैं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में और खुलासा करेंगे एक और जुर्म का। तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।